ओम शांति। अब हमारे बीच में एक अपने क्षेत्र में नवीनता से और अधिक पास नहीं दूर दूर से दादी जी की प्रेरणाओं को आत्मसात करते हुए उनके जीवन से शिक्षाओं को लेते हुए हमारी तेजस्वनी बहन करहल से आई हैं और कुछ उद्गार प्रदर्शित करना चाहती हैं। माया को दूर भगाते हुए एक सुंदर कविता भी सुनाएंगी और अपने अनुभव भी सुनाएंगी आपके समक्ष तेजस्वनी बहन। ओम शांति। आज मुझे बहुत अच्छा लगा जो हम दादी जी के सामने यहाँ उपस्थित हुए। बहुत कम लोग जानते होंगे, सबसे पहले मुझे जब दादी जी मिली, माउंट आबू गए थे बाबा से मिलने, शिवरात्रि का टाइम था, तो हम पहले थोड़ा जीवन हमारा बहुत अजीब सा था। हमें कोई बहन नहीं कहता था, सब भाई समझते थे। जब उधर से लौट रहे थे तो दादी जी मुझे ट्रेन में मिली, मुझे पूछा भैया और थे तुम कौन कहाँ से, तो मैंने बताया। पूछा क्या कर रही हो, तो मैंने कहा पढ़ रहा है। बिल्कुल एकदम भाइयों जैसे थे, तो कहा ब्रह्मा कुमारी बनोगी, तो मैंने कहा जी, तो कहा पहले अपने बाल बढ़ाओ और उसके बाद क्या करो, सलवार सूट पहनना शुरू करो। और सलवार सूट पहनने में मुझे इतनी वो लगती थी कि पता नहीं हम कुछ नहीं करेंगे वरना हम सलवार सूट हम कभी नहीं पहनेंगे। जैसे ही फिर क्या हुआ, आश्रम में रहने लगे थे, घर में अच्छा नहीं लगता, और आश्रम में आए तो वही प्रेशर, वही सब, अब ये पैंट शर्ट चेंज करो और सूट पहनो। ऐसे मेरा जब ये दीदी कहा करें सूट पहनो, दीदी का आदेश है भाई, दीदी का ये आज्ञा है, आपको मानना पड़ेगा अगर रहना है तो, बहुत ख़राब लगे। कभी कभी घर चले जाएं, लेकिन घर से 10-15 दिन हम कभी अपने घर में रह नहीं पाए, फिर आ जाएं। ऐसे ऐसे चलता रहा। फिर हमने बाबा से कहा, बाबा ये कपड़े हम कैसे छोड़ेंगे, क्या करेंगे, आप बताओ, आप ही छुड़ा सकते हो वरना हमसे ये कपड़े छूटेंगे नहीं, हमसे पहना नहीं जाता सूट। हमने बाबा को याद किया और पता नहीं चला कि कौन से झोंके में हम सूट बनवा लाए। जब सूट सिलवा के लाए तो मुझे इतनी शर्म लगी कि मार्केट में नहीं निकले पहने। हमने कहा आश्रम में आ गए, बाथरूम में गए, कपड़े चेंज किए, आश्रम में सूट पहना। फिर अब बाहर जाया करें तो बहुत वो लगे, अजीब सा। फिर हमने कुछ दिन क्या किया, पैंट पहना और ऊपर सूट कुर्ता पहना। ऐसे धीरे 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 फिर बदल गया। अब छोटे छोटे बाल कटिंग नहीं करानी है, बहुत उससे छोटी, पता नहीं जाने कैसे छोटे छोटे बाल। लेकिन बाबा की कमाल और बाबा की शक्ति, उसने मुझे आज जमीन और आसमान का परिवर्तन मेरे अंदर करके रख दिया है। और ये सिर्फ किस वजह से, ये बड़ी दीदी जी का क्या था, आज्ञा थी दीदी को कि ऐसे नहीं रखना है इसको, इसको रखना है तो कैसे, ब्रह्मा कुमारी बना के रखना है। और वो आज हम पूरा प्रयास करते हैं कि जितना हो सके हम पूरा अपने बड़ों को फॉलो करें, और पूरी हम कोशिश करेंगे कि हमसे कभी कोई श्रीमत के अवज्ञा ना हो। फिर कुछ ऐसा कार्यक्रम बन गया जो थोड़ा होता क्या है कि मनमत और श्रीमत और परमत, तो क्या हुआ बीच में अपने मन से चलने लगे, दूसरों की मत पता नहीं चलता। क्या था मन में, ये था सेवा ही तो करनी है, दीदी कह रही वहाँ पे, हम वहाँ सेवा करेंगे, भगवान की सेवा। लेकिन बहुत बड़ा होता है बड़ों के और अपने मन से चलने में, जहाँ बड़े बिठाएं उसमें और अपने मन से करने में। जब भी आप अपने मन से कोई काम करेंगे तो उसमें आपको दुख के सिवाय और धोखे के सिवाय कुछ मिलेगा नहीं। फिर आज 2.5-3 साल हो गया मुझे, हमने कुछ भी
कोई गलती है, कुछ भी है, हमसे अगर कोई गलत काम हो गया, फिर पता नहीं हमने बाबा से कहा, हम बहुत परेशान होते थे, बाबा बताओ इतना सब ये दुख दर्द बाबा के बनने के बाद भी ये सब है तो ऐसा क्यों? अपने आप पता नहीं जन क्या हो गया, हमने सब टोटल अपनी बात बताई दीदी को, और हमने एक प्रतिज्ञा की कि आज के बाद हम कभी भी झूठ झूठ नहीं बोलेंगे, कुछ भी हो जाए, लाख गलती हो जाए, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे और नहीं हम अपने बड़ों की अवज्ञा करेंगे। हमें भले उनकी श्रीमत अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन हम उसको फिर भी फॉलो करेंगे। उसके लिए बाबा ने क्या कहा, अगर बड़ों की आज्ञा होगी तो बाबा उसको अगर उल्टा होगा तो भी क्या कर देगा, सुलटा कर देगा। अब वो बात हम ध्यान में रख के चलते हैं, आज तक हमारे जीवन में बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छे से हम चल रहे हैं, हमें ऐसी कोई खैर भगवान के घर में कभी परेशानी होती है, कभी नहीं। तो भाई हमने सोचा है, प्रतिज्ञा की है, होता क्या कि जब बाबा को ज़्यादा याद करते हैं तो क्या करते हैं, माया क्या करती है, वो हमें रोकती है, लेकिन हमने क्या किया, हम रुकेंगे नहीं, धैर्यता से काम लेंगे। कैसे करेंगे, बहुत शीतलता से काम लेंगे, ताकि वो तो एक कविता है, आज चाहे बाबा के बच्चे हों चाहे दुनिया में लोग हों, दिल में अरमान जरूर है कि नहीं, सबके मन में सपने हैं कि हम कुछ ऐसा कर लें, हम कुछ ऐसा कर लें। ऐसे ही दो चार लाइनों की एक कविता है, सबके मन में सपने हैं, तो उसकी लाइन है कविता की, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, कब तक रोकेगी, एक दिन तो संपूर्ण बनना ही बनना है, ये पक्का लक्ष्य है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। हमारे जीवन के ऐसे अनुभव हैं कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन कभी भी भगवान का हाथ छोड़ नहीं सकते, उसको कभी भूल नहीं सकते। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, पत्थर पर लिखी हुई चीज शीशे तक टूटेगी, कभी नहीं टूट सकती। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने हाथों रचा स्वयं तुमसे नहीं, मुझे माया से मिटने का बिल्कुल खौफ नहीं, वो कितना भी भारी रूप अपने सामने लेकर आ जाए, लेकिन मुझे 100% अपने बाबा पर विश्वास है कि मेरे साथ कभी किसी भी प्रकार का गलत नहीं हो सकता है। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तप तप कर फिर सोना बनूंगा मैं, क्या बनेंगे, सोना। जब भी समस्या परिस्थिति मेरे सामने आएगी तो हम क्या करेंगे, उसे अनुभव लेंगे, नहीं होंगे। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तप तप कर फिर मैं सोना बनूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, ये कविता की लाइन थी।
आज हमारी दादी जी का बर्थडे है तो दो लाइन हम जरूर दादी जी के लिए कहेंगे। कहते हैं कि आपके जन्मदिन के दिन ये दुआ है हमारी। क्या दुआ होगी पता? क्या होगी? जितने हैं चांद तारे उतनी उम्र हो हमारी दादी जी की, उतनी उम्र हो हमारी दादी जी की। जितने हैं चांद तारे उतनी उम्र हो हमारी दादी जी की। ओम शांति।